क्या है न्यू ईयर की कहानी। सबसे पहले आप सबों को नई उम्मीद टीम की ओर से न्यू ईयर की शुभकामनाएं। 1 जनवरी के मध्य रात्रि 12 बजे प्रति वर्ष हम नया साल मनाते हैं। इस पर्व के अवसर पर हम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्प लेते हैं और कुछ नया करने की बात करते हैं। यह एपिसोड आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल नई उम्मीद पर। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पर्व कब से और क्यों 1 जनवरी को मनाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। इन दिलचस्प बातों के बारे में जानने से पहले आप सबों से आग्रह है कि जिन्होंने अब तक नई उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब जानते हैं न्यू ईयर की कहानी। हजारों साल पहले प्राचीन बेबीलोन में न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी, परंतु उस समय नव वर्ष का यह उत्सव 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि थी, जो हिंदुओं का नव वर्ष भी माना जाता है। 11 दिनों तक चलने वाले पर्व के रूप में यह वसंत ऋतु के पहले दिन से शुरू होता था, इसलिए सितम्बर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवम्बर 9वां और दिसम्बर 10वां महीना माना जाता था। जैसा कि इसके नामों से स्पष्ट होता है, यह गणना रोमन कैलेंडर के अनुसार किया जाता था, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और यह चंद्रमा के चक्र के मुताबिक था। रोमन कैलेंडर अटकलबाजी के बलबूते बनाया गया था, जो 1 मार्च से शुरू होता था। तब एक साल में 304 दिन और कुल 10 महीने हुआ करते थे। मार्च से लेकर दिसंबर तक इन महीनों के नाम इस तरह से थे: मर्सियस, अप्रैलिस, मईयास, जूनियस, क्विंटिलिस, सेक्सटिलिस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन सन 1570 के आसपास पोप ग्रेगरी 13वें ने क्रिस्टोफर क्लेवियस को एक नया कैलेंडर बनाने का जिम्मा सौंपा। इस तरह सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अस्तित्व में आया। तब से पूरी दुनिया में नए साल का उत्सव लगातार 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह जश्न मनाने वाले शायद ही जानते हो कि दुनिया भर में पूरे 70 नव वर्ष मनाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भी पूरी दुनिया कैलेंडर प्रणाली पर एकमत नहीं है। 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में इंसान अंतरिक्ष में जा पहुंचा है, मगर कहीं सूर्य पर आधारित, कहीं चंद्रमा पर आधारित, तो कहीं सूर्य, चंद्रमा और तारों की चाल पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया में विभिन्न कैलेंडर प्रणालियां लागू है। न्यू ईयर पर अमेरिका की बाल ड्रॉपिंग परंपरा। वैसे तो विश्व में वर्ष के अंतिम कुछ क्षणों में आतिशबाजी करते हुए पुराने साल को विदा और नव वर्ष का स्वागत किया जाता है, परंतु अमेरिका में यह उत्सव अलग तरीके से मनाया जाता रहा है। यहाँ का बाल ड्रॉपिंग दुनिया का सबसे मशहूर बाल ड्रॉपिंग कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर न्यू ईयर्स ईव की मध्य रात्रि को होता है। इससे पहले डाउनटाउन मैनहट्टन के ट्रिनिटी चर्च के घंटे को सुनने के लिए आधी रात में लोग जमा होते थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सन 1904 में जनमानस को आकर्षित करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत पर जोरदार आतिशबाजी की। इससे लोग आकर्षित तो हुए, लेकिन पटाखों के कारण सड़कों पर गर्म राख और पटाखों के टुकड़ों की बरसात हुई, जो कि हानिकारक होने के साथ साथ कचरा जमा होने का भी कारण बना। इन्हीं वजहों से न्यूयॉर्क पुलिस ने वहां आतिशबाजी करने के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। तब न्यूयॉर्क टाइम्स के मालिक एडोल्फ ऑक्स ने अपने चीफ इलेक्ट्रिशियन वाल्टर पाल्मर को नया रास्ता निकालने के लिए कहा। पाल्मर के डिजाइन के आधार पर ऑक्स ने आर्ट क्राफ्ट स्ट्रॉस साइन कंपनी को लगभग 318 किलो की लोहे व लकड़ी से निर्मित और 25 वाट के 100 बल्बों से जड़ित बाल बनाने की जिम्मेदारी दी। इस बाल को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सन 1908 के बाल ड्रॉपिंग में प्रयोग किया गया। कहाँ कहाँ पर और कब होता है न्यू ईयर। नेपाल एवं भारत सहित कई देशों में नव वर्ष की तारीख कुछ और ही होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन विभिन्न देशों में वहां की संस्कृति के अनुसार भी नया साल मनाने की परंपरा है। नेपाल में नव वर्ष विक्रम संवत के अनुसार 1 गते बैसाख यानी लगभग 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं भारत में तो विभिन्न धर्म व संप्रदाय एक साथ रहते हैं। इन धर्मों व संप्रदायों के कैलेंडर भी अलग अलग हैं, इसलिए इनके नव वर्ष की तिथियां भी अलग अलग होती है।
हिंदू नववर्ष की बात करें तो यह चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अनुसार मार्च अप्रैल माह में यानी बैसाखी के दिन पड़ता है। चीन में भी अपना एक अलग कैलेंडर है। तकरीबन सभी पुरानी सभ्यताओं के अनुसार चीन का कैलेंडर भी चंद्रमा गणना पर आधारित है। इनका नया साल 21 जनवरी से 21 फरवरी के बीच पड़ता है। चीनी वर्ष के नाम 12 जानवरों के नाम पर रखे गए हैं। चीनी ज्योतिष में लोगों की राशियां भी 12 जानवरों के नाम पर होती है। लिहाजा यदि किसी की बंदर राशि है और नया वर्ष में बंदर आ रहा हो तो वह साल उस व्यक्ति के लिए विशेष तौर पर भाग्यशाली माना जाता है। जापानी नववर्ष गंतन साई या उसोगत्सु के नाम से भी जाना जाता है। महायान बौद्ध 7 जनवरी, प्राचीन स्कॉट में 11 जनवरी, वेल्स के इवान वैली में नववर्ष 12 जनवरी, सोवियत रूस के रूढ़िवादी चर्चों आर्मेनिया और रोम में नववर्ष 14 जनवरी को होता है। वहीं सेल्टिक कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, लेबनान में नववर्ष 21 जनवरी को प्रारंभ होता है। प्राचीन आयरलैंड में नववर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता रहा है तो प्राचीन रोम में 1 मार्च को। इसके अलावा ईरान, प्राचीन रूस तथा भारत में बहाई, तेलुगु तथा जमशेदी का नया वर्ष 21 मार्च से शुरू होता है। प्राचीन ब्रिटेन में नववर्ष 25 मार्च को प्रारंभ होता है। इसी प्रकार प्राचीन फ्रांस में 1 अप्रैल से अपना नया साल प्रारंभ करने की परंपरा थी। यह दिन अप्रैल फूल के रूप में भी जाना जाता है। थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओ के लोग 7 अप्रैल को बौद्ध नववर्ष मनाते हैं। वही कश्मीर के लोग अप्रैल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, बंगाल, श्रीलंका और तमिल क्षेत्रों में नया वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन श्रीलंका का राष्ट्रीय नव वर्ष मनाया जाता है। सिखों का नया साल भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 17 अप्रैल को नया साल मनाते हैं। असम में नववर्ष 15 अप्रैल को, पारसी अपना नववर्ष 22 अप्रैल को तो बेबीलोनियन नववर्ष 24 अप्रैल से शुरू होता है। प्राचीन ग्रीक में नववर्ष 21 जून को मनाया जाता था। प्राचीन जर्मनी में नया साल 29 जून को मनाने की परंपरा थी और प्राचीन अमेरिका में 1 जुलाई को। इसी प्रकार आर्मेनियन कैलेंडर 9 जुलाई से प्रारंभ होता है, जबकि म्यांमार का नया साल 21 जुलाई से शुरू होता है। इस्लामिक कैलेंडर में कब होता है न्यू ईयर? इस्लाम धर्म के कैलेंडर को हिजरी साल के नाम से जाना जाता है। इसका नव वर्ष मुहर्रम माह के पहले दिन होता है। हिजरी कैलेंडर करबला की लड़ाई के पहले ही निर्धारित कर लिया गया था। मुहर्रम के 10वें दिन को आसुरा के रूप में जाना जाता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन बगदाद के निकट करबला में शहीद हुए थे। हिजरी कैलेंडर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें चंद्रमा की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों का संयोजन नहीं किया गया है, लिहाजा इसके महीने हर साल करीब 10 दिन पीछे खिसकते रहते हैं। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर अपने विचार रखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।